आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। ये बनाना बहुत ही सिंपल है और कम मसालों में टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सोयाबीन लिया है और इसे पानी में आधे घंटे के लिए भिगो लेंगे। सोयाबीन भीगकर अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसे अच्छे से निचोड़कर इसे काट लेंगे। मैंने यहाँ पे बड़ी वाली सोयाबीन लिया है, इसलिए इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट्स कर रही हूँ। अगर आप छोटी वाली सोयाबीन का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे सोयाबीन काट कर तैयार कर लेंगे। कटे हुए सोयाबीन्स को हम तेल में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, अगर ज़्यादा इसे फ्राई कर ले तो ये हार्ड हो जाएंगे। यहाँ पे सोयाबीन 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम तेल गरम करेंगे। तेल के गरम होते ही इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जीरा जैसे फ्राई होने लगे इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई करेंगे। प्याज जब गोल्डन फ्राई हो जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को भी 1 मिनट के लिए प्याज में फ्राई कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक और इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। सूखे मसालों में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि फ्राई करते समय ये ना जले, और पानी ऐड करते हुए मसाला 2 से 3 मिनट के लिए कम आंच में फ्राई कर लेंगे। सब्जी में एक अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ 2 से 3 चम्मच टमाटर सॉस ऐड करूँगी। इससे सब्जी का स्वाद और भी अच्छा आएगा। और इसे भी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब इसमें फ्राई करके रखे हुए सोयाबीन्स को ऐड करेंगे और इसे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोयाबीन्स को मसालों में मिक्स करने के बाद इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट सोयाबीन को मसालों के साथ फ्राई करने के बाद इसे चेक कर लेंगे। सोयाबीन मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे।
सोयाबीन में पानी ऐड करने के बाद इसे एक मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। एक से दो मिनट सब्जी को पकाने के बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें एक चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तैयार सब्जी में फ्राई करके रखा हुआ कैप्सिकम और प्याज डालेंगे, जिसे मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा था, और सब्जी में इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। अब हमारी सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार है। अब हमारी सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार है। अब इसे ढककर इस तरह से कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो सके। हमारी सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार है। मैंने ऊपर से इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता